गाए, 40 भाषाओं में गाए, लेकिन उन्होंने घर से जब उन्होंने घर पे था तो उन्होंने कहा कि सत्येंद्र बने तू ये बताया कि बंदाई का मतलब क्या होगा। तो मैंने कहा सर सबसे बेहतर है कि जिन्होंने गीत लिखा है मैं उन्हीं को फोन कर देता हूँ। तो आप ऋतु जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इनसे ऋचा से बात करिए, तो इन्होंने मतलब समझाया। तो इनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए और ऋतु जी के लिए भी होना चाहिए, जो कितना खूबसूरत कंपोजिशन, जो खुद मतलब क्लासिकल कितनी बड़ी ज्ञाता है, जो ना जाने कितने सारे स्टूडेंट को अपने संगीत से मतलब ज्ञान दे रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं, खुद VIP थी यहाँ पे, इनकी बेटी को भी सिखा रही हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। तो इसके लिए जोरदार तैयारी होनी चाहिए। और जो लड़का है प्रियांशु, इसने भी उदित जी के साथ बहुत ही खूबसूरत साथ दिया है, बहुत बढ़िया गाया है। तो इसके उज्जवल भविष्य के लिए भाई हम सभी कामना करते हैं, और खास कर इनके पापा को भाई, इनको ऐसे पेरेंट्स भी अजय जी को भी भाई एक के लिए जोरदार ताली कि ऐसे पेरेंट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो अपने बच्चे के टैलेंट को पहचानते हैं। तो ऐसा माता पिता सबको मिले, तो मेरी बहुत सारी शुभकामना है कि तेरी बंदाई जो है ये सुपर डुपर हिट हो। और सुमित जी जो खास जो डायरेक्टर हैं, जिन्होंने मैं इनको तो मैं क्या बोलूँ, इनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, जितनी तारीफ करूँ, अब तारीफ तो कई तरीके से कर सकते हैं, गाने के माध्यम से भी कर सकते हैं। जी जी, चलिए मैं एक लाइन गुनगुना देता हूँ जी, बिल्कुल अपना सुमित जी के लिए। जी जी, जो भी कसम खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, नसीब थी तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा, क्या तुम्हें याद है, याद है, हाँ मुझे याद है, क्या तुम्हें याद है। आप जाओ, हमारे पास बहुत ऑलरेडी उदित जी है। जी बहुत बढ़िया गाया सर ने, इसलिए वाकई उदित जी गाया था। सबसे पहले आप सभी ने इस प्यारे से बच्चे का एल्बम सुना, देखा, गाना सुना। फिल्म शोले में डबर सिंह बोला ये हाथ मुझे दे दे, नाम बोलगा ठाकुर ये गला मुझे दे दे, कमाल का है, मेरी ब्लेसिंग आपके साथ में है, दिल से दुआ है। और आप इसी तरह से रहो, क्योंकि ये माता पिता के जो वाइब्स आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपके माता पिता ने आपको जो शिक्षा दी है, भगवान करे आप ऐसे रहो, बहुत बड़े बन जाओ और ऐसे ही रहो, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है हमारी लाइन में, जिसको थोड़े से पंख आ जाते हैं उनके पंख काट दिए जाते हैं। पंख कौन काटता है पता है ना, दुश्मन बहुत घूमते रहते हैं तो कोई ना कोई पंख काट ही देता है। तो आप ऐसे पहले जमीन पे रहो, कोई आपकी पंख काटेगा नहीं, आप उड़ोगे बहुत अच्छी उड़ा। और आपके बारे में क्या कहें, इनका जो नाम है रितु जौहरी, कुछ मत कहिए नहीं जौहरी, आज जो जौहरी मतलब सही जगह पे आया है। और इन्होंने बिल्कुल ऐसे से जौहरी ढूंढ के रखे हुए हैं, मतलब इनके पास जो भी इनके पास स्टूडेंट आता है वो कमाल का होता है। लास्ट टाइम में हम ये बच्ची ने बहुत बढ़िया गाया था, कमाल की नहीं ग्रेट थी, अरे बहुत इनका भी एल्बम निकला, बहुत बढ़िया। ये इनकी मैंने सरगम, ये तो आप लोगों ने आज सुना, जब मैं ऋतु जी के घर पर गया था मैं, तो मुझे जब स्क्रैच सुनाया था इनके, उनकी वॉइस कमाल की वॉइस थी, और जो सरगम सुन के मैं बोला ये किसने गाया, एक बालक है जो सिर्फ पालक खाता है। ग्रेट ग्रेट पापा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा।
और उदित जी तो आए रहे, तो उनके साथ में आपका सच में बहुत बड़ा नाम दिल से हुआ है। और मेरे दोस्त मेरे भाई सुमित के बारे में क्या कहूँ, इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, आपने देख लिया हुआ जो फिल्माया है किस तरह से। जब गाना चला था मैंने पूछा कि कोरियोग्राफर कौन है, कैसे फिल्माया, कैसे फिल्म, तो ऋतु जी ने कहा वो कोरियोग्राफर का नाम था आपने बताया था, वो जो लड़की का नाम श्वेता जी, कमाल है, मतलब सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन एकदम, बहुत बढ़िया लगा मुझे। पूरी टीम को मेरे से दिल से बहुत बहुत शुभकामना है। और हमारी रेचा जी कहाँ गई, अब उतर नीचे से उतर लिफ्ट में आया, अकेले मत आना उदित जी बुलाना, और उदित जी बोलेगा मैं निकला गड्ढी लेके। और बस क्या कहूँ, ये बच्चा ही बताएगा कि इसने कितनी मेहनत की है, क्योंकि आज का दिन आपका दिन है, दिल से दुआ दीजिए। आप सभी को नमस्कार, मैं तो स्पीचलेस हूँ, मेरे लिए फर्स्ट टाइम है ये सब। अक्सर जो बहुत अच्छे सिंगर होते हैं ना बहुत स्लो बोलते हैं। मैंने अलका जी के साथ भी काम किया है, लता जी के साथ भी काम किया है, मेरे बारे में क्या ख्याल है। हाँ हाँ, इनकी तो बाप रे चेंबूर तक जाती है आवाज। मैं क्या कहूँ, बोलिए बोलिए। आप लोग जो सवाल करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो आप कर सकते हैं। सवाल ये है आपसे कि सर आपने जो गाया है जो एक्टिंग की है ये सब चीज एक साथ मिक्स कैसे हो गया और इसमें क्या मेहनत किया सर? ये बस जो आदेश आया मैंने उसका पालन किया और वो मुझसे बस हो गया। ये मैं कैसे इसको जस्टिफाई और डिफाइन करूँ कि मैंने इसको कैसे किया, और पूरा मेरी गुरुजी हैं वो साथ में ही हैं, और सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही जाता है। उन्होंने जो सिखाया मैंने कोशिश की और सीखने की और उसको अपने अंदर लाने की, और बस हो गया जो। इसके क्या आपने कुछ प्रैक्टिस की थी या कुछ आपने कुछ कॉन्सेप्ट था क्या? ज़रूर सर, प्रैक्टिस, आपने गाना सुना तो प्रैक्टिस के बिना तो शायद ही इसको गा पाना किसी के बस की नहीं थी, तो बिल्कुल प्रैक्टिस की। और जैसा जैसा मैम ने जो रास्ता दिखाया मैं उस पर बस कोशिश किया उस पर चलने की। और जैसे सोनू निगम है वो एक्टिंग भी करती थी, उन्होंने काफ़ी काफ़ी पिक्चरों में हीरो भी आए थे और काफ़ी अच्छा आज सिंगर भी है जी। ऐसा तो प्लान है आपका क्या सर? वो तो आप लोगों का प्यार बताएगा कि आप लोग कितना प्यार मुझको देते हैं, और वो आगे अभी उतना नहीं सोचा, बस चल रहा हूँ, अभी चलना स्टार्ट किया है, फिर कब दौड़ने का मौका मिलेगा वो तो आगे पता चलेगा मुझे। आपके फेवरेट सिंगर कौन है सर? जिनके साथ मुझे मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है, उनके साथ मैंने गाया है, वो वही मेरे आइडल भी रहे हैं, उन्हीं को देखते हुए मैं बड़ा भी हुआ हूँ, मतलब उनको सुनते हुए। और जब मैं यहाँ आया था तो मुझे क्लासिकल सिंगिंग सीखने का ऐसा मेरे अंदर कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन अहमियत तब समझा जब मुझे मैम मिली, मेरी गुरुजी, और मुझे तब समझ में आया कि क्लासिकल मतलब मैं देख तो रहा हूँ जिनको मैं आइडल मानता हूँ, लेकिन वो उस जगह पे कैसे पहुँचे, उसकी सीढ़ियाँ वो यहाँ से मिलेंगी मुझे, तो बस यही है। पहली बार आपने मतलब गा रहे हैं तो कैसा मतलब उनके साथ ऐसे होता नहीं कि नर्वस फील करना कि इतने बड़े कलाकार के साथ? सर आप सहज महसूस कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये स्वाभाविक सी बात है सर, मेरी जगह आप होते शायद वो किसी के भी साथ ऐसा होगा। मैंने तो जब नाम सुना मेरी गुरु जी के मुख से बस नाम निकला था कि हम ऐसा सोच रहे हैं, तो मैं उस समय भी स्पीचलेस था, और आज भी आपने सवाल किया है तो मैं उधर पे भी स्पीचलेस ही हूँ, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, बस यही है कि ये बस होते जा रहा है और मैं कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत मैं लकी हूँ कि मुझे इतना ऐसा भी मौका मिला, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी गुरु जी की वजह से जी। अभी भी आपको गाना पड़ेगा ज़रूर। क्या बात मैं इसका अंतरा आपको सुनाऊंगा, और जिस अंतरे में जो टाइटल है बंदाई उसका जिक्र हुआ है कि
बख्श तू मुझे तेरी बनाई, मांगू अब इस जग से रिहाई, कैसे दिखाऊं अपनी तड़प को, ढूंढ रहा हूं तेरी डगर को। झूलेलाल 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 झूलेलाल। तो गुरु जी की जय हो। आपका काफी नाम है, काफी लोग आपने शिक्षा दी है, और आपके गुरु जी कौन थे? ये आपने बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा। मेरा नाम मत लेना। आपका नाम बांधे बाजी में बैठे और नहीं, उनका सबसे लालच में 40 साल पूरे कर लिए थे तब। मैंने सबसे पहले शिक्षा ली अपने नाना जी स्वर्गीय पंडित सुनहरीलाल शर्मा, बहुत मतलब शास्त्रीय संगीत के स्तंभ कहे जाते थे वो। और आगरा में पहले तानसेन समारोह हुआ करता था, तो भीमसेन जी और दशरथ जी ये सब लोग हमारे घर में रहा करते थे, तो हमारे नाना जी का बड़ा बहुत नाम था। उसके बाद फिर हमारे नाना जी ने बोला कि भाई चाहे आप सिंगर हो चाहे आप डांसर हो, एक घराने में बंधना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद मैंने उन्होंने मुझे शागिर्दी दिलाई आगरा घराने के, फैयाज खान साहब के सगे देवते उस्ताद शब्बीर अहमद खान साहब, शब्बीर अहमद खान साहब से मैंने तालीम ली। आप तो आ जाओ, योगी जी आ गए हैं और आ रहे हैं। तो बस वहाँ से मेरा संगीत का सफ़र शुरू हुआ, और जो गुरुओं ने दिया उसी को बस चार चार लगाते 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 मुंबई का सफ़र पूरा। नई प्रतिभा को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आपसे कुछ सीखना चाहें? मैं नई प्रतिभाओं को ये, मैं एक्चुअली संगीत में जितने लोग कार्यरत हैं उन सबको ये कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर की पढ़ाई में लोग 5 साल वेस्ट करते हैं, हर पढ़ाई में 5 साल, सिर्फ एक संगीत है बेचारा कि कल आप बाथरूम में गाइए और परसों आप माइक पर खड़े हो जाएंगे। ये लोगों की जो मेंटेलिटी है कि इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, इस बारे में मैं उदित जी से अभी ज़रूर कहूँगी कि वो रोशनी डाले। जब उन्होंने सरगम गाई तो उन्होंने सरगम गाते वक्त ये बात मुझे बोली थी कि ऋतु जी क्लासिकल की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं आज की पीढ़ी के आगे वाले आने वाली की पीढ़ी को ये कहूँगी कि भाई किसी भी विद्या को अगर आप अपना रहे हैं तो उसके मर्म तक जाइए, उसकी नींव को पहले रखिए, क्योंकि नींव बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बिल्डिंग बनाते हो तो, चाहे आप कुछ भी करते हो, कोई भी पढ़ाई करते हो, और जिसका बेसिक स्ट्रांग है फिर वो कोई भी कहते हैं कोई भी मतलब रणभूमि में विजयी घोषित होता है ऐसा। नमस्कार आप सबको, सॉरी थोड़ा लेट इसलिए हो गया क्योंकि समीर टंडन जी के यहाँ वो रिहर्सल थी। हाँ हाँ पता चली मुझे सर, आइए प्लीज आइए, मैं इधर आ जाऊँ सर। सर सवालात आप मुझसे कर रहे थे इस प्रोजेक्ट के लिए, तो आगे उदित जी से कंटिन्यू करें और सिर्फ 2 मिनट का हमको वक्त दें कि हम उनका स्वागत करें एनर्जी में और उदित नारायण जी सिंगिंग में। सुमित उनको दिए भाई साहब को दीजिए। उदित जी ये प्रोजेक्ट जो आपने गाया है उसके सर्वो सर्वा ये हैं, आइए 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 अजय सिंह जी, ये प्रियांशु जी,
आइए तो गुलशन खुद बता रहे थे फूलों की आवश्यकता नहीं है, सबका हो जाए फिर मैं इधर सर वन मोर सेफ्टी माँ का बाप का सबका बुके सर 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 प्यार है आप लोग क्या बात धन्यवाद धन्यवाद मैं तो भर गया मैं वीवीआईपी पिक्चर प्रियांशु एक और ले गया प्रियांशु इधर अरे ऐसे प्रियांशु आशीर्वाद दो मुंडे जी इनका तारुफ मैं दे देती हूँ इनको वैसे कौन नहीं जानता है ये ऐसी विभूषी है हाशमी जी टी सीरीज वीनस एचएमवी सारी कंपनी को खड़े करने वाले इंसान उनकी एक सबसे बड़ी तारीफ ये है अभी तो सोना आप कह रहे हैं अभी ये आ गए तो प्लैटिनम हो जाए क्या बात है रात की रात जगाऊं मुझे हक है आप सबको मेरा नमस्कार गुड इवनिंग आदाब मैं सबसे पहले रितु जी को बधाइयां देता हूं कि आज इतनी खूबसूरत तेरी बधाई आज रिलीज कर रहे हैं और लिखे हैं ऋचा चौधरी जी ने आप वहां पे छुपे हुए हैं ऋचा चौधरी इन्होंने लिखे हैं और इन्होंने म्यूजिक कंपोज किया है इसका और बड़ा ही खूबसूरत गाना है मैं आपको क्या बताऊं कितना बधाई दूं और ये जो तेरी बंदाई जो है तेरी बंदाई का मतलब है तेरी बंदगी तो नाम ही इतना खूबसूरत है तो गाना कितना खूबसूरत होगा तो मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोगों के बीच मुझे भी यहाँ आने का मौका दिया बहुत बहुत धन्यवाद आई विश यू ऑल द बेस्ट गुड लक क्या बात हमारे हाशमी जी खास फ्रेंड हैं 40 साल के मेरे दोस्त हैं अपने त्रिपाठी जी खास दोस्त हैं क्या बात है वाह वाह कितना अच्छा गाया क्या पिक्चर कल रिलीज हो रही है अपना गदर पार्ट टू और आज आपने गर्म कर दिया माहौल तुझको जी भर के मैं देखूं मुझे हक है बस यूं ही देखता जाऊं मुझे हक है प्रिया 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 लागे मेरा जिया तुम्हें हक है तुम्हें हक है तुम्हें हक है बहुत जबरदस्त अरज को
जान ले खुद ही, जान ले खुद ही मेरे मरज को। झूलेलाल 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 झूलेलाल। बाकी आप कंप्लीट करेंगे। नहीं नहीं बोलता हूँ, नहीं नहीं। जहाँ झूलेलाल आ गए तो कौन रोक सकता है। बिल्कुल जोरदार ताली हो जाए। नहीं लेकिन एक शब्द मैं बोलूंगी, जहाँ उदित जी आ गए वहाँ कौन रोक सकता है। आपकी मकबली आवाज है और जो आपने गदर 2 में जो एक नया परफॉर्मेंस दिया है उसकी बधाई आपको। तो ये सर अभी तक जो आपने इतना बना के रखा गले वो लता मंगेशकर की तरह, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे सर। लता जी तो सरस्वती थी और लता जी का आशीर्वाद जिसको मिल जाए तो वहाँ कुछ ना कुछ अच्छा तो है ही। तो मुझे भी उनका आशीर्वाद मिला, उनके साथ बहुत सारे गाना गाने का मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं अपने आप में समझता हूँ कि बड़ा ही खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को, और आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे इतना मिला है कि ये कभी खत्म नहीं होगा, ये कयामत से कयामत तक चलता रहे। जनरेशन बहुत झूम उठी है, खुश है सर। एक मिनट और तब तक चेयर रखवा दीजिए ना। आओ यार, आप कहाँ हो? लेट हुआ उनके चेयर रख दीजिएगा। पहले ये फिल्म आई थी गदर, गदर एक प्रेम कथा और वो अपने आप में इतिहास हो गई थी सर। और आज फिर से 22 साल के बाद फिर से मुझे गाना गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। थैंक्स टू अनिश शर्मा जी, डायरेक्टर ऑफ गदर, प्रोड्यूसर जी स्टूडियो, सनी बाजी, अमीशा पटेल जी और म्यूजिक डायरेक्टर उत्तम सिंह जी एंड मिथुन जी, और पूरे टीम को मैं बधाइयां देता हूं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि गदर पार्ट 2 भी गदर ही मचाने वाली है। सर हिस्ट्री है सर, इतिहास होने वाला है वो भी सर। सर तेरी बदलाई का मामला है और आप गदर सुन रहे हो। मैं निकला वो गड्डी लेके बरसते पर वो सड़क में एक मोड़ आया, मैं खेत छोड़ाया। दस मिनट के लिए आप बुलाए थे क्या बात मजा आ गया। असली चीज तो आप बड़े छुपा के रखे सर। सर काट दो बस, छू दिया। ओके ऑल द बेस्ट। तालियां तेरी बधाई रॉक सर। हाय हाय। अरे उनको बोलने दो बेवकूफ। कोई बात नहीं, मैं उसको मैं उनको पता कैसे इफेक्ट किया होगा। तालियां तालियां तेरी बधाई। ये बॉलीवुड परिवार। हाँ हाँ क्या बात है। सामने सामने थैंक यू उदित जी, एक बार आपके सामने वीडियो प्ले करना चाहते हैं प्लीज। सिर्फ 3 मिनट। क्यों नहीं, अरे सिर्फ 3 मिनट। क्या बात है। द लाइट आप आ जाओ, आप आ जाओ। सुमित सर चलिए आइए। आप लोग पहले खाइए। क्या बात।
मैं निकला चाकू लेके टिश्यू टिश्यू नया सिंगर इंट्रोड्यूस होता है। मुझे वो वक्त याद आता है जब पहली बार चार लाइनें करबा में मैंने गाई थी सुभाष घई साहब ने। उसके बाद वो समय याद आता है जब पहला गाना मुझे मिला था तुन्ना तुन्ना टक्कर तुन्ना आसमान धरती पे लाने वाला चाहिए क्या बात झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। इट वाज बाय डिफॉल्ट आई गॉट द सॉन्ग। उसके बाद बहुत सारे गाने मैंने इनके साथ गाए। हमारा कलाकार जो आया था इतना प्यारा कलाकार है उदित एंड आज एक नई आवाज इंट्रोड्यूस हुई है और मैं ऑनेस्टली बोलूं मैं पहचान नहीं पा रहा था कि दोनों की आवाजों में अंतर क्या है। आई थिंक नए कलाकार के जोरदार ताली देके स्वागत करना चाहिए। ताली में कंजूसी मत कीजिएगा। जो जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे आराम से ताली मार सकता है और ताली मारने से कभी हार्ट अटैक नहीं आता है। तो लगातार आधे मिनट की ताली इस नए कलाकार को दीजिए आप ताकि फिर कंजूसी नाम पारा आपके। ये बहुत बड़ी बात है। मुंबई शहर में एक नई आवाज़ आई है जो मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया कि उदित की आवाज़ कौन सी है की आवाज़ कौन सी है। इट्स अ ह्यूज वन और कॉन्फिडेंस लेवल इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उदित नारायण और ये कॉन्फिडेंस है और सिंगिंग है और आपने जो एक्टिंग में हाथ ऊपर किए हैं हिलाए हैं बहुत अच्छा रिदम पे किए हैं और बनाने वाले ने भी बहुत एक बड़ा क्यूट सा वीडियो बनाया है। उसके रिसोर्सेज जो थे आई कैन अंडरस्टैंड कि वो माइक पे खड़ा है उदित माइक पे खड़ा है और जो कलाकार है उसके लिए सेट लगा है एक अच्छी लाइट्स के साथ में। मुझे साहेब बीबी गुलाम की वो गाना याद आया बहुत खूबसूरत गाना था। उसमें खूबसूरती ये थी कि जो डांसर्स थे उनके चेहरे नहीं दिखते थे और सिर्फ जो मेन डांसर थी उनका चेहरा दिखता था। इसमें भी वही था साहेब बीबी और गुलाम में याद आया कुछ कलाकारी आनी चाहिए और कलाकार का मतलब ये है जो कल को आकार दे। वाह कलाकार की खूबसूरती यही है कि जो कल को कल आकार देता है। अब देखिए हमारे पुराने लाइन्स जो हैं वो डायलॉग हैं हमारे गाने हैं आज भी अगर चलते हैं सोचते हैं समझते हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है हम लोगों के सबके लिए। आज 25 साल पहले का गाना उदित ने गाया मैं निकला गड्डी लेके सड़क पर एक मोड़ आया। अब देखिए वो गाना हम सबके DNA में घुलता जा रहा है एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट के प्रियांशु प्रियांशु के की आवाज़ भी लोगों के DNA में जाए और ये बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करे और थोड़ी सी कलाकारी भी सीख लो दोस्त कोई बड़ी बात नहीं है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड द प्रोड्यूसर्स को अनिता जी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आपकी माँ में एक अच्छी माँ है और अच्छे पिता भी होंगे जिन्होंने आपको पूरा प्रोत्साहन दिया है एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। भगवान करे आपको आपने छोटे से रिसोर्सेज में अच्छा गाना क्रिएट कर लिया है। लाइट्स वर वेरी गुड कैमरा वर्क वॉज वेरी गुड आपकी जो बीच में कंडेंस किया है दोनों को उदित को और इनको विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लेट्स हैव अ चीयर्स मैन कंजूसी हो रही है और आका है और हिप हिप हुरे ना हुरे 1 2 3 4 हिप हिप हुरे दैट्स इट। अच्छा मैं एक मीडिया से आग्रह करना चाहती हूँ कि अपनी बेटियाँ को प्लीज कि दो शब्द आप हमारे प्रोड्यूसर साहब नगर में आया मुझे कभी दूर दूर तक भी मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था इस महानगर में मेरे को कोई जगह मिल पाएगी। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी दीदी बोलूँ गुरु बोलूँ मेरे बेटे की उसके आगे मेरे पास शब्द नहीं है। इन्होंने अपनी जगह पर स्थान ले लिया है और मैं धन्य हो गया।
जंगल में से छीने ना, और बाकी आप लोगों का प्यार और स्नेह जो देखा है वो आगे मिलता रहे। हमने इतनी सारी बातें कही और सिखाई, और अभी अभी सर आके गए, ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मेरे साथ काम करने के लिए वो मंजूरी भी दी और प्लस वो यहाँ खुद आए भी, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बस भगवान का ऊपर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतनी कृपा बरसा रहे हैं मुझ पर, और ऐसे लोग के बीच में मैं मुझे मौका मिल रहा है बैठने का, ये मैं इतना स्पीचलेस हूँ, मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। और बस आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आगे कुछ अच्छा कर सकूँ। आज इसकी महफिल है, प्लीज आप उसे Stay healthy, stay blessed. Thank you. Thank you.